नमस्कार, फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना ब्लॉग लेकर। और आज है फिर से कुतुब मीनार के बारे में पार्ट टू है, और मैं आज बताऊंगी कि कुतुब मीनार के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, 1961 के पहले कुतुब मीनार में अंदर जाने प्रवेश करने दिया जाता था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 1981 में 300-400 दर्शक अंदर गए थे और बहुत संकरी सीढ़ियाँ हैं, बहुत नैरो है सीढ़ियाँ, तो बिजली चली गई और अचानक भगदड़ मच गया और 45 लोगों की इसमें मौत हो गई थी भगदड़ में, और कुछ लोग घायल भी हुए थे। इनमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे, इसलिए इसको हमेशा के लिए, टावर को जनता के लिए बंद कर दिया गया। और इसमें ऐसा है ना कि पहले स्कूल की तरफ से बहुत सारे बच्चे जाते थे और इसमें बिजली चली गई थी तो उसी में भगदड़ हो गया था, जैसा कि मैंने बोला। और ये देखिए, ये कुतुब मीनार बहुत ही शानदार है। देखिए, ये दरवाज़ा हमेशा के लिए हमारे लिए बंद हो गया। और आगे देखेंगे, ये देखिए, ये लौह स्तंभ है जिसके बारे में मैंने बात किया था, और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। स्तंभ को विष्णु ध्वज के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की स्मृति में विष्णुपद के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए, इसको स्मृति में ये इसके बारे में लिखा हुआ है, लौह स्तंभ। इसको किसी और स्थान से लाया गया था क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी में कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। यह एक पक्की भाटिया परंपरा है जिसे इसे यहाँ तोमर राजा अनंग पाल लाया था। और अब हम चलते हैं आगे सूर्य घड़ी देखने। और यह सूर्य घड़ी है जो है वो है सैंडरसन की स्मृति में बनाई गई थी, जो कि पुरातत्व विभाग में अधीक्षक थे। उन्होंने कुतुब परिसर में उत्खनन कार्य किया और इसमें अविस्मरणीय स्मारकों को संरक्षण एवं मरम्मत कार्य में वह संलग्न रहे, यानी कि बहुत उन्होंने हेल्प किया। उन्हीं के याद में इसे बनाया गया है। इस सूर्य घड़ी पर लैटिन भाषा में एक प्रेरक पंक्ति अंकित है जिसका अर्थ है, परछाई लुप्त हो जाती है, प्रकाश मौजूद रहता है। यानी कि दिन ढलता है, हमारी परछाई पतली बंद हो जाती है, लेकिन जो चांद है और तारे हैं उसका प्रकाश हम पर बना रहता है। वैसे ही दिन में सूर्य का प्रकाश बना रहता है, क्या इसका यही अर्थ है? मैं सोचते सोचते घर जा रही हूँ, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मैं सही सोच रही हूँ। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यूं ही मज़ेदार किसी टॉपिक पर, इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, जो बहुत अच्छा लगे आप लोग के लिए मैं लाऊंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।